पिन भी एंट्री लेते हुए, दैट सम्स अप फोर टीम इन अ सिंगल स्क्वाड ऑफ जॉनी। चार टीम्स के प्लेयर्स एक घर के अंदर बैठे हुए, सबने एक एक पॉइंट स्क्वाड हाउस की। कॉब्स के पास एक स्लामेन आया यहाँ पे हेक्स टीम का, एंड वो स्लामेन जो हम लोग बात कर रहे थे, कॉब्स को थोड़ा सा दिक्कत है बिकॉज वो लोग फर्स्ट फ्लोर में, अगर ग्रेनेड्स अगर मल्टीपल एंगल से उनके ऊपर फेंके तो स्क्वाड हाउस का जो एक होल था वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। बट यहाँ पे MNP के प्लेयर्स, यहाँ पे बोप डोप के ऊपर एक ग्रेनेड फेंका है, डैमेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा आगे चला, बट आईएसओ के प्लेयर्स यहाँ पे इस वाले कंपाउंड के राइट हैंड साइड में आ चुके हैं, एंड हेक्स का स्क्वाड यहाँ पे पूरा ये जो टेक ओवर था इस वाली फाइट का अपने नाम लेके जाते हुए। कॉब्स के प्लेयर दिक्कत में आते हुए, एक प्लेयर शायद बालकनी में है अभी भी, बट मेरी ख्याल से वो ज्यादा परेशानी दे सकता है यहाँ पर उनको बिकॉज प्रोन डाउन है, कोई प्लेयर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि बालकनी में कोई हो, बट कॉब्स एक एडवांटेज है पोजीशन से, एक टोटली डिसएडवांटेज पोजीशन में। बोप डोप सामने प्रोन डाउन है, दिपिन को पता है, बट बोप डोप को क्या पता है कि सामने एक और प्लेयर है। 357 का यहाँ पे डैमेज है, बोप डोप सामने ही थे, उनको नॉक डाउन कर दिया जाएगा, एंड यहाँ पे ओमेगा भी फिनिश हो जाएंगे। बोप डोप का स्क्वाड पूरा फिनिश, लेग स्टम्प यहाँ पे एलिमिनेशन लेगी ऑन 10th प्लेस। स्क्वाड हाउस यहाँ पे दो टीम, तीन टीम इनफैक्ट, कॉप्स का प्लेयर अभी भी जो F2F अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, देखते कितनी देर तक वहां पे बालकनी होल्ड पर खर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे टीम नंबर 13 दैट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया हुआ है स्क्वाड हाउस, बट यहाँ पे दिपिन भी एंट्री लेते हुए, दैट सम्स अप फोर टीम इन अ सिंगल स्क्वाड हाउस जॉनी। चार टीम्स के प्लेयर्स एक घर के अंदर बैठे हुए, सबने एक एक पॉइंट अपना ले लिया है, कौन यहां से बच के निकल गया ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, बट संडे ईस्पोर्ट्स किसी तरह दूसरी साइड पे अपने लिए फाइट्स निकालती हुई, और अब कॉप्स के जो दो प्लेयर, एक ही प्लेयर बचा होगा कॉप्स की तरफ से भी, स्क्वाड हाउस के पास आई थिंक काफी अच्छी एक प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पे पांचवा प्लेयर भी एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था बट उनको बाहर भेज दिए गए, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत प्लेयर्स है तो आप बाहर ठहरिए थोड़ा सा, बट यहाँ पे फ्रीजर अभी भी ट्राई करेंगे बाहर से किल अपने लिए लेने की, बट यहाँ पे मणिपुर एक्स का पूरा स्क्वाड फिनिश होता है, उसी के चलते यहाँ पे सिर्फ तीन स्क्वाड रह जाएंगी, दैट इज SH हेक्स एंड यहाँ पे कॉप्स का स्क्वाड, एंड ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री लगाई उन्होंने, एंड यहाँ पे उनके यहाँ पे ग्रेनेड था, यहाँ पे फिनिश करेंगे, बट एक और प्लेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बालकनी में आने के लिए, यहां पे वापस से प्रोन डाउन है, जो अभी भी ट्राई करेंगे कौन नॉक निकाले, बट वहां पे डोर क्लोज कर दिया गया है जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। यहां पे पीपी बाइजन को करा है रीलोड, क्या वापस से कॉप्स का प्लेयर जाएगा, अब दूसरे एंगल पे बैठेंगे बिकॉज़ प्री फायर अब राइट साइड में देंगे, और वो दे विल बी मेकिंग श्योर कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लेयर एक पीक करे बिकॉज जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज यहाँ पे वेज और उनके जो और साथी हैं यहाँ पर, उनके जो टीममेट है ट्रॉल, उनको क्लियरली देख सकते हो विद द TPP एंगल थ्रू दैट विंडो, बट अभी हम लोग प्लेयर्स की बात करेंगे, यहाँ पे 15 प्लेयर्स अलाइव है, 7 टीमें जीवित है, जोन यहाँ पे फॉर श्योर वाले स्क्वाड जोन नहीं है, बट यहाँ पे राइट साइड से मारा एक और प्लेयर वेज पैड को भी मारा, 1v3 यहाँ पे कॉप्स का जो F2F निकाल कर जाता हूं अपनी टीम के लिए, था क्या जॉनी, आखिर में एक स्क्वाड हाउस में एक लौता प्लेयर एक पूरे स्क्वाड को मार के चला जाता है, अभी भी अब दो अलग अलग टीम के प्लेयर है, बट यहाँ पे SH का प्लेयर यहाँ पे पूरा निकालेगा कॉप्स के F2F को, फेस टू फेस का स्क्वाड यहाँ से बाहर जाता हुआ। आपने मेरे से पूछा वो था क्या, दैट वाज मैडनेस वहां पे। ओके, जिस प्लेयर को बाहर छोड़ा गया था वो अभी भी जिंदा है यहाँ पे, फ्रेजर फ्रॉम गैलेक्सी अभी भी सर्वाइव करेगी इसी तरह, उनके पास 3 फर्स्ट एड्स है, तो हील अप करके आगे मूव इन करने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि 7वां ब्लू जोन है, ये बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है SH के प्लेयर्स, अगर उन्होंने अटेंशन नहीं दिया तो फ्रेजर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बट संडे ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट उनकी फाइट होती हुई, और ड्रीम IWL वहां पे इनसेन नूब को नॉक डाउन करते हुए, पीछे से DC की एक अलग ही फाइट चल रही है, ऑप्टिमम स्क्वायर ईस्पोर्ट्स जो है यहाँ पे वाइपआउट होती हुई, ऑलराइट फ्रेजर के पास एक बहुत ही अच्छा पोजीशन था, बट नो डीसी ऑफिशियल्स उनको स्पॉट कर लेते ओपन में, और नॉक भी नहीं, सीधा फिनिश उनको देखने को मिलेगा बिकॉज़ द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर हिज टीम। अब बात करते हैं टॉप 3 टीम्स आ चुकी है हमारे पास, डीसी ऑफिशियल्स है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और संडे ईस्पोर्ट्स है इस फाइट में। जॉनी आपको याद है मैंने बोला था डीसी का स्क्वाड एक सैंडविच पोजीशन में, टीम 17 एंड 12 के बीच में, बट दे आर स्टिल अलाइव। इस वाले मैच में आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें यहां पे हो रही है, वही चीज देखने को मिली, बट ग्रेनेड था राइट हैंड साइड में रीबाउंड होकर वहीं पे गिर के जाता, बट SH का स्क्वाड यहां पे पूरा फिनिश होगा, DC का जो स्मिथ है उनका एक ग्रेनेड के द्वारा, बट यहां पे लेजेंड बहुत ज्यादा ओपन से आ रहे थे, एंड ड्रीम WNL वो भी एक ब्रोकन वॉल के पीछे है, डीसी के प्लेयर्स यहां पे एक्सपेक्ट करेंगे, दैट सम्स अप अ चिकन डिनर फॉर डीसी मोस्ट प्रोबेबली, अगर ड्रीम यहां पे एक एक्सेप्शनल गेम प्लेयर निकाल के जाते हैं तो। बट यहाँ पे कर्ल्स की बात करें तो संडे ईस्पोर्ट्स के पास भी 9 एंड डीसी के पास भी 9 कर्ल्स हैं, बट ये वाली बात आती है 1v3 करने की, लास्ट वाले मैच में सेनॉक हम लोगों ने देखा था 1v3 हुआ था, यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी हो सकता है बिकॉज ये वाली कार ब्लास्ट अगर होती है तो एक प्लेयर और नॉक होगा, एक प्लेयर फिनिश होगा, एंड उसी के चलते यहाँ पे ADS दे दिया जाएगा, ड्रीम WNL अभी भी जिंदा बचे हुए विद अ ट्री कवर, एक दासिया भी उनके लेफ्ट साइड में, दासिया यहाँ पे स्मोक हो रही है, दासिया को अगर यहाँ पे फोड़ दिया गया तो उनके लिए दिक्कत आता है, फर्स्ट एड यहाँ पे पॉप इन करेगा, बट इतना टाइम बचेगा
सेकंड, बिकॉज जोन का डैमेज पड़ेगा एक सेकंड और मात्र, बट यहाँ पे उसके पहले जोन का किल उनको नहीं मिलेगा। सामने डीसी का स्क्वाड 9 किल्स के साथ खत्म करेगा वाला मैच, बट व्हाट अ मैच दिस वाज जो इरांगल का स्टार्टिंग से फन मैच।